स्मेल अभी आ रहा है, टाइगर स्मेल है, स्मेल आ रहा है। पता नहीं मेरे को वो आवाज क्या था भाई। हेलो एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है मुंबई पुणे में, ऑरेंज अलर्ट है इस टाइम पे। एंड बहुत लोग पूछ रहे हैं कि टिगोर ईवी का रेन में स्पेशली मानसून में परफॉर्मेंस कैसा है। नेक्सॉन ईवी के बहुत सारे वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखा, स्पेशली कश्मीर टू कन्याकुमारी का जो ट्रिप है उसमें आप देख सकते हो नेक्सॉन ईवी को, तो हमने अच्छे खासे पानी के अंदर भी गाड़ी को चला लिया है एंड वी नेवर फेस्ड एनी इशू। बट टिगोर के साथ में हम अभी तक ये सब फेस नहीं किया है। तो वी हैव सम वर्क इन मुंबई, तो हम लोग ने सोचा चलो जाते हैं देखते हैं क्या परफॉर्मेंस है एंड होपफुली नॉट पानी वाटर लॉगिंग मिले हमें। बट अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो थोड़ा सा विल सी हाउ टिगोर इज रिस्पॉन्डिंग टू द होल सिचुएशन। तो निकलते हैं मुंबई के लिए एंड ऑलरेडी रास्ते में विकी इज ड्राइविंग राइट नाउ एंड विल कीप यू अपडेटेड। ओके, सो बहुत सारे लोगों को ये जानना है कि भाई टिगोर ईवी में बारिश में कैसा परफॉर्मेंस देता है गाड़ी। एंड नेक्सॉन ईवी का तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, बट टिगोर ईवी का कोई भी नहीं है कि मॉनसून में बारिश में अच्छे खासे बारिश में कैसे परफॉर्म करता है गाड़ी। और हमको कमेंट्स में भी आते हैं कि बारिश में हम चार्जिंग पे गाड़ी लगाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। सो ये आज पूरे वीडियो में कवर करेंगे। सो फर्स्टली टिगोर ईवी जो गाड़ी है वो बारिश में बिल्कुल भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आज तक कुछ प्रॉब्लम आया नहीं है। एंड इवन पुणे में कुछ थोड़े बहुत जो वाटर लॉगिंग्स होते हैं उसमें भी हमने गाड़ी को पानी में डाल के देखा है, बट कुछ इशू नहीं हुआ। जैसे कि आपने नेक्सॉन का वीडियो अगर नहीं देखा रहेगा तो वो भी जाके देखो। एंड बाकी सब चीज़ें इट्स वेरी नॉर्मल, मतलब कुछ भी ऐसा है नहीं कि बारिश की वजह से ये गाड़ी में प्रॉब्लम हो रहा है। इलेक्ट्रिक कार है तो उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। सो गाड़ी में तो अब तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया मॉनसून में। ब्लैक पुणे में तो बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रहा है, उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आया। एंड इवन बारिश में ब्रेक्स विक्स का भी कुछ ऐसा इशू हो नहीं रहा है टिगोर ईवी में। सो एज ऑफ नाउ इट इज़ ऑल वेल। सो मुंबई पहुँचते और देखते हैं कि मुंबई में अगर कोई ऐसा ज़्यादा पानी वाला जगह कुछ मिलता है सो वी कैन सी कि क्या होता है गाड़ी के साथ में। ऑलराइट, तो हम लोग मुंबई तो पहुंच गए और मुंबई में जैसे कि आप देख सकते हो बारिश तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हम लोग वाटर लॉगिंग वगैरह का कुछ टेस्ट कर नहीं पाएंगे और बिल्कुल ही सूखा है मुंबई। एंड वी रीच एट 26%। तो चार लोग हैं गाड़ी में, तो चार लोगों के हिसाब से तो रेंज बहुत ही अमेजिंग दिया है कम्पेयर टू नेक्सॉन। चार लोगों के हिसाब से 26% बचा है गाड़ी में, सो दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। स्मेल अभी आ रहा है, टाइगर स्मेल आ रहा है। कनेक्टिंग द चार्जर भाई, पता नहीं भाई इनकी आग कुछ है क्या, पता नहीं मेरे को वो आवाज क्या था भाई। अरे पैडी रुक जाओ, देखा भाई अभी ये जैसे आप लोगों ने आवाज सुना, आई डोंट नो क्या है, कुछ डरावनी चीज ही है। तो ये सेकेंड टाइम हुआ जब ये चार्जर ऑन किया था, ये आवाज इतना जोर से आया, पता नहीं कुछ इलेक्ट्रिक शॉक जैसा कुछ आवाज है। अपडेट करते हैं आपको बाद में थोड़ी देर में। तो वी हैव केम टू अनदर चार्जिंग स्टेशन, तो अभी ट्राई करते हैं कि इसमें भी आवाज नहीं आना चाहिए। तो लेट्स ट्राई कि इसमें आवाज आ रहा है कि नहीं, वो जो सेम प्रॉब्लम हो रहा था हमको कि चार्जिंग के डब्बे में से आवाज आ रहा था। तो लेट्स ट्राई इट आउट। राइट, सो वी हैव कनेक्टेड द चार्जर, तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे चार्जर कनेक्ट हो गए। तो प्रॉब्लम ये था कि हम लोग आए थे एक चार्जिंग स्टेशन पे, जैसे कि आपको पता है हम लोग मुंबई आए थे। तो यहाँ पे जब भी हम लोग CST में एक चार्जर है वहाँ पे गए थे, तो हमने सोचा कि वहाँ पे गाड़ी चार्ज करते और लगा के किधर चले जाएंगे। बट देन जब भी पहली बार डाला तो कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक की तरह कुछ आवाज आया, जैसे कि आपको ऑलरेडी सुनाया था, वापस डाल देंगे आपको सुनाने के लिए। तो वो कुछ आया, फिर सेकेंड टाइम फिर से ट्राई किया, फ्रेंड्स बोल रहे थे कि अरे नहीं उसका नहीं था, कुछ डब्बे का आवाज़ था। बट आई वॉज प्रिटी श्योर कि वो डब्बे में से ही आवाज़ आया था, जो चार्जिंग का डब्बा है उसमें से ही आवाज़ आया था। सो सेकेंड टाइम फिर से ट्राई किया, फिर से हुआ। एंड वी वर स्केर्ड कि भाई कुछ हो ना, कि कुछ प्रॉब्लम ना हो, गाड़ी को भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था। एंड बारिश का भी टाइम है,
तो पता नहीं क्या सीन हो सकता है। तो गाइज हम ये बोलेंगे कि CST का जो चार्जर है उसमें चार्ज मत करना अभी हाल फिलहाल, पता नहीं वो चार्जर के डब्बे में ही कुछ इशू है वहाँ पे, चार्ज मत करना, दो बार ऑलरेडी ऐसा हो चुका है, सो प्लीज डोंट चार्ज देयर। अभी वो टाटा को भी हमने भेजा था, हमारे जो पहचान वाले उनको भी भेजा था, तो उन्होंने भी वही बोला कि चार्जर में प्रॉब्लम है, गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है, तो चार्जर में ही प्रॉब्लम है, तो वो चार्जर में कुछ रहेगा कुछ, तो वी डोंट नो अबाउट व्हाट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। सो वो स्किप करो थोड़ा, जो CST में, जो मुंबई CST के अंदर जो चार्जर लगा हुआ है वो मत, वहाँ पे गाइस मत चार्ज करो, पता नहीं क्या सीन है वहाँ पे। सो ये जो गाड़ी हम लोग चार्ज कर रहे हैं ये है चर्च गेट पे, चर्च गेट पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे HP का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे ये चार्जर लगा हुआ है, ये स्टैटिक का चार्जर है, और ये जो डब्बा है वो पूरा डेल्टा के तरह ही है, डेल्टा का ही डब्बा है एक्चुअली, इसके ऊपर पूरा कोटिंग किया हुआ है इन्होंने, तो ये वही चार्जर है जस्ट कि स्टैटिक का है यहाँ पे। सो आप अगर आ रहे हो तो ये चार्जर वर्क कर रहा है स्टैटिक का, सो यू कैन कम हियर चर्च गेट एंड चार्ज। और तो यहाँ पे हमने गाड़ी चार्ज किया, 96% चार्ज हो गया पूरा गाड़ी, अभी पूना के लिए निकल रहे, पहले कुछ खाएंगे, बट यहाँ पे स्टैटिक के चार्जर पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ जो नॉइज वहाँ पे आया था टाटा के चार्जर पे वो यहाँ पे नहीं आया, अच्छे से गाड़ी चार्ज हो गया। एंड फॉर सम रीजन ये स्टैटिक का जो चार्जर है वो थोड़ा सस्ता है, वो साइड में हम आपको डाल देंगे कितना पैसा लिया है। 16% पे कुछ था जब भी लगाया था, 96% चार्ज हो गया, तो उसने 213 रुपया के करीब कुछ लिया है, सो वी फाउंड इट अ बिट चीपर देन टाटा, आई डोंट नो। सो अभी निकल रहे हैं, लेट्स सी। सो गाइस हम लोग पुणे पहुंच गए, एंड कुछ टॉपिक अलग था, हम बात कर रहे थे कि टिगोर ईवी बारिश में कैसे परफॉर्म करती है, बट देन चार्ज करने के टाइम पे कुछ और चीजें हो गई तो टॉपिक उधर घूम गया, बट देन गाइस टिगोर ईवी बारिश में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देता है फ्रेंकली, इवन वाइल चार्जिंग, इवन वाइल आप स्लो चार्ज करते हो घर पे, तो हम जब भी स्लो चार्ज करते हैं तो गन जो रहता है वो बारिश में एक्सपोज रहता है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम तो होता नहीं है, इट्स जस्ट कि आपका जो एडाप्टर है और जो प्लग है उसको आपको सेफ रखना है पानी से, तो आप बेटर रहेगा कि आप उस चीज एडाप्टर और प्लग को बारिश से सेव करके रखिए। एंड आपका गन अगर बारिश में है बाहर भीग रहा है, इट्स टोटली फाइन गाइस, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। इवन आप फास्ट चार्जर देखोगे तो फास्ट चार्जर भी सब भारी खुले में लगे हुए रहते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम तो आता नहीं है, बट टिगोर ईवी का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बारिश में भी। एंड पुणे में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है इतने टाइम से, एंड कुछ कुछ जगहों पे वाटर लॉगिंग्स भी थे और उसमें भी हमने गाड़ी डाली थी, बट वो टाइम पे हम सैडली वीडियो नहीं बना पाए, बट टिगोर ईवी में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया अब तक वाटर लॉगिंग में भी, गाड़ी डालने के बाद में भी। सो यस टिगोर ईवी इज़ गुड टू गो इन मानसून ऑल्सो, कुछ भी फ़र्क नहीं है इसमें। वी होप आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आप जानना चाहते थे कि मॉनसून में कैसे परफॉर्म करती है, एंड बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे, वी होप आपको इसमें सब आंसर्स मिल गए होंगे। एंड प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड गाइस सब्सक्राइब करो अगर आप न्यू चैनल पे हो तो, एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।